हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं श्री अपूर्व पाठक जी, इलाहाबाद वाले। और क्या पाठक जी का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए चर्चा करिए यार, आप क्या आज अपने व्यूवर्स के लिए लेके आए हैं? अब पिछली बार एक चर्चा करी गई थी सूर्य सूर्य से चतुर्थ की चर्चा करी गई थी। उसको वीडियो को काफी अच्छे व्यूज भी मिले, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्रीवियसली हमारे लिस्ट पे होगी वो। और अक्षय तृतीया पे शायद बनाई गई थी वो, और अक्षय पात्र के ऊपर बनाई गई थी सूर्य से चतुर्थ। मैं ये देखता हूं कि वैसे तो आजकल सारे लोग सारा का सारा महत्व सिर्फ लग्ना को ही दे देते हैं, लगन कुंडली को ही सारे महत्व मिलते हैं। तो मैं ये इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से पहले भी चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। वो भी हमारी एक बहुत वीडियो है जो इसी इसी चैनल पर पड़ी हुई, इंपॉर्टेंस ऑफ चंद्र कुंडली। आज मैं उसी भांति सूर्य कुंडली पे चर्चा करना चाहूँ कि सूर्य कुंडली बहुत जरूरी है, उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जो लोग सीधा धन योग को देख लेते हैं कि 2, 5, 9 और 11 के लॉर्ड्स, अगर स्वामी उनमें योग है तो वो सीधा धन योग प्रेडिक्ट कर देते हैं, उसके पहले सूर्य को जज करना बहुत जरूरी है। सूर्य से फोर्थ को जज करना बहुत जरूरी है, ये पिछली वीडियो में बताया गया। तो आज ये सावन का पवित्र महीना है और भगवान भोलेनाथ की बात ना हो ये अनुचित होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 3 ग्रह सूरज, चंद्र और गुरु, ये तीनों सत्वगुणी ग्रह, अगर आप कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट उठाएं, जो डिवीजन है गुणों का वो सूर्य, चंद्र और गुरु सत्व, राहु और केतु तमस, मंगल और शनि तमस, और रजस हो गए आपके बुध और शुक्र। अब आप देखिए कि सूरज को राइट आई बोला गया है, दाहिना नेत्र तारक है वो दाहिने नेत्र का। भगवान शिव का जो दाहिना नेत्र है वो सूर्य से गवर्न होता है, जो बायां नेत्र है वो चंद्र से गवर्न होता है, और जो उनका मस्तक पे तीसरा नेत्र है वो गुरु से गवर्न। ये तीन सत्वगुणी ग्रह 3 नेत्रों को गवर्न करते हैं। अब इनमें से जो राइट आई दाहिना नेत्र वो रजस को कंट्रोल करता है, रजस को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकता है। इसीलिए देखिए बुध और शुक्र सूर्य से बहुत आगे नहीं जा पाते, क्योंकि सूर्य का काम है कि उस रजस को कंट्रोल में रखे। आप ये देखिए कि अगर बुध और शुक्र कंबस्ट हैं, अस्त हैं, सूरज के साथ हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बढ़िया होती, क्योंकि रजस कंट्रोल में, शिव जी की जो दाहिनी आंख है वो रजस को कंट्रोल में रख रही है। इसी तरीके से बाई आंख चंद्रमा वो तामस गुणी ग्रहों को कंट्रोल करता है, और जो तीसरी नेत्र है जिसे बृहस्पति गवर्न करता है, ये इन दोनों गुणों को बैलेंस बनाता है। इसीलिए तीनों आंखों से जोड़ करके इन तीनों सत्व गुणी ग्रहों को देखा गया। अब बात आई कि सूर्य लगन। सूर्य देखिए, महर्षि पराशर शब्द इस्तेमाल करते हैं सूरज के लिए, अस्थि, बोन्स। बोन्स आपका स्केलेटन सिस्टम है और वही आपको स्ट्रक्चर देता है, करेक्ट? आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपका बोन्स ही बनाता है। ये पूरा सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो सूर्य पे ही चलता है। सूर्य उस स्ट्रक्चर का, उस वो पूरा स्केलेटन सिस्टम है सोलर सिस्टम। महर्षि पराशर अपने कृत में, वेद पराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि सूर्य सारी चीजों का कारक है, सारी, सन इज द कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन, सारे क्रिएशन का कॉज सन। तो आप इस छोटी सी लाइन को नजरअंदाज ना करें। सूर्य जिस जगह पे बैठता है, जिन योगों के साथ वो होता है, वो चीज के लिए आपका क्रिएशन हो रहा है। इस चीज को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती है। आप देखिए, हम लोग ज्यादातर टाइम, आप सारे लोग अनुभवी ज्योतिष हैं, जो हम ज्योतिषी हैं, जो हम
हमारा चैनल फॉलो करते हैं और उनको बेहतरीन समझ है। हम ये देखते हैं कि जिस जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं उनकी समझ बहुत अच्छी है ज्योतिष को लेकर। आप ये देखिए कि जहां भी आपका सूर्य बैठा है उस भाव पे आत्मा कहीं ना कहीं खींचती है काम करने के लिए। ये लग्न और चंद्र लग्न दोनों से ही आप चेक करें। जैसे कि किसी का चंद्र लग्न से अष्टम में सूर्य है तो भी वो अष्टम की तरफ पुल करेगा अपने आप। ठीक है, इस चीज को बराबर पैरेलली लेकर के चलिए और देखिए कि सूरज का पुल उस भाव में जरूर होगा, वो आत्मा आपको उस तरफ खींचेगी। करेक्ट। चंद्र को देखिए, चंद्र आसमान में कभी स्थिर नहीं है। चंद्र को मन का कारक कहा गया है, मन कभी स्थिर नहीं है। तो मन की तरफ ज्यादा भागने से कुछ होता नहीं है। आदमी एक काम किया, मन में आया ये काम किया, उस तरफ भागे और कुछ दिन बाद उससे मन हट गया, अस्थिरता। देखिए चंद्रमा कभी सेटिस्फाइड नहीं थे, 27 बीवियां मिली, सेटिस्फाइड नहीं रहे। उनको छोड़ करके तारा के साथ भी भागे, सेटिस्फाइड नहीं रहे। तो इससे इस स्टोरी से आप समझते हैं कि जो चंद्र है ना उसके तरफ बहुत नहीं भागना चाहिए, वो सेटिस्फाइड नहीं रहता। सूर्य की तरफ जाने से, सूर्य की तरफ जाने से आपको सेटिस्फेक्शन, आंतरिक आत्मा क्या बोल रही है वो। सूर्य देखिए उसको सर्वात्मा बोला गया, सारी आत्माओं का कारक, नेचुरल आत्मा कारक है तुम्हें। तो आपके समकक्षीय जितनी आत्माएं हैं पैरेलल जो लिविंग हैं आपके आसपास, उन सबको सूरज दिखा रहा है। सूरज जिन ग्रहों के साथ है जैसे बैठा है, ये पिछले लाइफ टाइम में, सारे लोग पास्ट लाइफ की बात करते हैं लेकिन सूरज को इग्नोर कर दिया गया। आप ये देखिए कि पास्ट लाइफ में जितना भी आप कर्म करके आ रहे हो, किस तरीके से लोगों को आपने ट्रीट किया है, क्या लोगों को दिया है, वो सूरज के जहां सूरज बैठा है और जिन ग्रहों के साथ बैठा है वो दिखा रहा है। जैसे सूरज और शनि का एक पैरेलल मत है पूरे ज्योतिषी का, ज्योतिषाचार्यों का, ऋषियों का, कि सूरज और शनि का कॉम्बिनेशन कभी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसके पीछे की कभी वजह जानने की कोशिश करें कि पिछले लाइफ टाइम में इतना दुख दिए हैं आप लोगों कि इस लाइफ टाइम में रोग, दुख, पीड़ा, ये सब आप जरूर फेस करेंगे अपनी। स्पेशली आत्मा अगर आत्मा को आपने दे रखा है ना वो चीज, आत्मा और वो क्या है? आत्मा उस चीज को फील करेगी इस लाइफ टाइम, क्योंकि आप ही ने दिया था ये। बिल्कुल सूर्य को बिल्कुल इग्नोर ना करें, सूर्य मंगल के साथ है। पिछले लाइफ में अगर मंगल की डिग्निटी खराब, एक तो अस्त होता है कोई भी ग्रह, तो अभी मैं अस्त के ऊपर भी चर्चा करूंगा। अगर मंगल की डिग्निटी खराब है, मान लीजिए नीच के मंगल के साथ सूर्य, हमेशा आप पिछले लाइफ टाइम में लड़ाई झगड़ा क्रोध लोगों के ऊपर दिखाया है, इस बार सेम चीज आपको फील होगी। आत्मा लेके चलती है ना, वही चीज अनुभव। आत्मा वही चीज, अब आपको उस चीज को फील कराया जाएगा कि ये देखो ये कर्म तुमने ऐसा किया था और ये कर्म ऐसा। अब इतनी सूर्य की इंपॉर्टेंस मैंने समझाई, मैं छोटी बात बोलना चाहता हूं कि हमारे समाज में शादी को, विवाह को आत्माओं का मिलन कहा गया। तो आत्माएं मिलती, हम सारे लोग, हम सारे ज्योतिषी सिर्फ लगन से विवाह देख लेते हैं, चंद्र लगन से विवाह देते हैं, सूर्य से विवाह क्यों नहीं देख रहे। आत्माओं का मिलन है सूरज से। सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी के लिए। सूरज से सप्तम भाव अगर अग्री नहीं करेगा, आत्मीय साथ आप कभी आपका लाइफ पार्टनर से नहीं बन सकते। आप आत्मा लेवल पे यूनाइट नहीं करेंगे। आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट। द वर्ड सोलमेट, यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड सोलमेट। आप ये देखिए कि सूरज से सप्तम आपने उठाया ही, सूरज से सप्तम जब तक अग्री नहीं करेगा तब तक शादी में आत्मीय संबंध नहीं बन सकता। आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है आपका, अच्छा, लड़ाई। अब आवाज सही आई। मैंने ये हाँ कहा कि सूरज से सप्तम भाव अगर अग्री नहीं करेगा ना, तो आत्मीय संबंध आप कभी बना नहीं पाएंगे शादी में। आप चंद्रमा, चंद्र जो है वो सोसाइटी का कारक है, लोगों का कारक है। आप देखिए चंद्र से सप्तम भाव, कौन लोग आपकी मदद कर रहे हैं शादी का रिश्ता लाने में,
वो दिखाता है। आप देखिए कि एक बड़ा इंडियन कल्चर में बड़ा चलन है इसका कि हम अपने कास्ट में शादी करते हैं या अपने क्लैन में शादी करना पसंद करते हैं। भाई मैं एक मैथिल ब्राह्मण हूँ तो सारे रिश्तेदार समाज में ये बोलते हैं कि मैथिल में शादी कर। ये चंद्रमा है जो आपका क्लैन, जो आपका समाज दिखा रहा है। समाज से सप्तम भाव, ज्यादातर लोग समाज, आप देखिए कि चाची दादी ने रिश्ता बता दिया या मामी ने रिश्ता बता दिया, वो चंद्रमा से सप्तम भाव, उसको मानते हुए अगर आप शादी करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेटिस्फाइड। ऐसे सप्तम भाव, आपकी आत्मा क्या चाह रही है, एक एक सोलमेट के लिए वो आत्मा क्या चाह रही। चंद्र से सप्तम भाव सोसाइटी, और मैंने पहले ही कहा कि चंद्रमा कभी सेटिस्फाइड नहीं थे, 27 बीवियों से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। तो चंद्र से सप्तम भाव और चंद्र को इतना फॉलो करने पे अल्टीमेटली दुख ही मिलता है। आप बहुत ज्यादा अपनी इंद्रियों को फॉलो करते रहिए, देखिए उसके बाद आप टू मच ऑफ, आज ये खाने का मन है खा लिया, वो करने का मन है कर लिया, आप एक टाइम के बाद आपको ये सारी चीजें बीमारी या प्रॉब्लम्स ही देने वाली। चंद्रमा को अंत में भाग करके भगवान शिव जी के सर पे शरण लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं सूर्य कुंडली को बिना देखे मत निर्णय करिए हॉरोस्कोप का। ये जो तीन, आप ये देखिए आज के टाइम में ज्यादातर लोगों के लग्न से इंटेलिजेंस देखा जाता है, धी, चंद्र से मन, सूर्य से आत्मा, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही है लोगों। भाई हम मजबूरी में काम कुछ कर रहे हैं, लगन से 10th हाउस, लगन से 2nd हाउस, कि हमें अपना जीविकोपार्जन करना है, हमें अपने आप को मेंटेन रखना है, तो लगन से हो। मन हमारा कुछ कह रहा है काम करने के लिए, यार हमारे यहाँ मन नहीं लगता, ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है ये, हमारा मन नहीं लगता। आत्मा कुछ और कह रही है काम करने के लिए। मान लीजिए हम सारे ज्योतिष बंधु लोग हैं, सूर्य अष्टम भाव में, सूर्य हमारा कह रहा है कि ज्योतिष की तरफ चलो, लेकिन हम काम कुछ और कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को सस्टेन करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, सूर्य का राशि स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी और लग्न, इन तीनों में आपस में संबंध बन जाए तो मन मस्तिष्क आत्मा इन तीनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और आदमी को जो अचीव करना होगा वो करेगा। जैसे सूर्य का जो राशि स्वामी है वो लग्न पे दृष्टि कर दे, उसी के साथ साथ चंद्र का राशि स्वामी लग्न पे दृष्टि कर दे और लग्नेश से भी किसी किस्म का संबंध बना, तो मस्तिष्क मन और आत्मा एक ही डायरेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, इसको दशा में भी इसीलिए आप लगा सकते हैं कि दशा क्या चल रही, तो उस पीरियड में क्या चीज होने वाली, मन से आत्मा से अगर और लगन से, अगर तीनों बिल्कुल चीजें उस दशा अंतरदशा में जुड़ रही है, तो आदमी वो फॉलो करेगा जो उसका जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हो सकता है लगन से कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, वो टीचर है, लेकिन उनका मन है कि हमको यार ज्योतिष की कंसल्टेंसी करनी, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पा रहे। आत्मा आवाज दे रही है कि हमें ज्योतिष में रहना, फॉलो नहीं कर पा। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है सूर्य। आशा करता हूँ व्यूअर्स को ये समझ में आएगा कि सूर्य की इंपॉर्टेंस कितनी। जैसे चंद्र से 2 और 12 में प्लैनेट्स, चंद्र से 2 और 12 में अगर ग्रह बैठते हैं तो अच्छे योग बनते हैं, है ना, अनाफ सुनाफ योग, दुर्धरा योग। इसी तरीके से सूर्य से 2रे भाव में और सूर्य से 12वें भाव में योगों की बात कही गई, वेसी वोसी, और दोनों तरफ हुए तो उभाचारी। अगर सूर्य का केंद्र खाली हो, सूर्य से 4th में ग्रह है, बड़ा अच्छा, लास्ट टाइम हमने वीडियो पे बात की थी। सूर्य से 7th पे मैंने बोला कि आपकी आत्मा की, देखिए सप्तम भाव काम त्रिकोण का हाईएस्ट पीक है, 3रे भाव से काम त्रिकोण चालू होता है सप्तम भाव और 11th हाउस पे 11वें भाव तक जाता है। सप्तम भाव आपकी हाईएस्ट डिजायर है, करेक्ट। अब अगर आप ग्रहों को वक्री होना समझते हैं, ग्रहों के मूवमेंट समझते हैं, तो सूर्य से 7th भाव में कोई ग्रह होगा तो वो वक्री ही रहेगा। सूर्य से 5th से वक्री होना चालू होता है, 9th तक वक्री रहता है, सूर्य से 7th में विषुवपाक बल भी उसमें हाईएस्ट रहता है क्योंकि वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है और पूर्णतः अपना असर दिखा रहा है। वो ग्रह वक्री होगा क्योंकि लास्ट लाइफ में भी वो डिजायर अनफुलफिल्ड रह गई। वक्री ग्रह का मिलना क्या होता है, अनफुलफिल्ड डिजायर। आत्मा की जबरदस्त डिजायर थी जो
अनफुलफिल्ड रह गई थी सूरज से सप्तम भाव, इतना महत्व रखता है सूरज से सप्तम। इसी तरीके से अगर केंद्र में ग्रह नहीं है तो सूरज के साथ देखिए किस तरीके के ग्रह, सूरज के साथ जो ग्रह अस्त होते हैं ना, अब जैसे मैंने दाहिने नेत्र भगवान शंकर के दाहिने नेत्र से जोड़ करके देखा, तो सूरज जब किसी ग्रह को अस्त करता है, जो ग्रह वाकई में अस्त हो नजदीक हो, अग्नि किसी चीज को जला करके प्योरिटी लाती, शुद्धता लाती, तो ग्रह अगर डिग्री कली पीछे है, सूर्य मान लीजिए 15 डिग्री का है, कोई ग्रह 13 डिग्री का है, तो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है ना, सूर्य की तरफ जब बढ़ रहा है तो वो प्योरिटी की तरफ जाने वाला है, वो अस्त होने वाला है, तो उसके अंदर स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस ग्रह की रेलिवेंट दशा अंतर दशा में देखिए कि वो एक्सपीरियंसेस होंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे। जब सूर्य किसी ग्रह को अस्त करता है तो ये भी प्रॉब्लम आता है कि मटेरियल चीज उस ग्रह से रिलेटेड आदमी को दिक्कत करता है, क्योंकि आपने कुछ बैड कुछ कुछ कर रखा था जिसकी वजह से ये इस तरीके से अस्त हुआ। अब आपका वो स्पिरिचुअल जर्नी, वो स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करता है, और जब सूर्य से अस्त होकर के ग्रह बाहर निकलता है ना, वो प्योर होके बाहर निकलता है, अब उसके अंदर प्योरिटी है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो अस्त होना स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर बुध और शुक्र अस्त हैं तो स्पिरिचुअल लर्निंग्स बहुत देंगे आपको। पीछे हैं तो वो जा रहे हैं, वो प्योरिटी के लिए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सूरज से दूसरे भाव पे अगर कोई ग्रह बैठा तो वो ग्रह आप दुनिया को क्या देने वाले हैं वो दिखाएगा, क्योंकि उस ग्रह से सूर्य 12 है, 12वां है, तो आप देखिए 12वां ग्रह आप क्या देते हो ना किसी को, आपसे दिया हुआ चीज है 12वां, तो वो आप दुनिया को क्या देने वाले हो, आपके समकक्षीय जो सारी सर्वात्माएं हैं आप उनको क्या देने वाले। जैसे किसी का बुध बैठा हो सूरज से सेकंड, टीचिंग्स ओकल्ट नॉलेज बुध कारक है, ये सारी चीजें आप दुनिया को देने वाले, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो भी है बुद्ध से जो जुड़ा। बुध के कारकत्व है उसमें से इंपॉर्टेंट ये चीज है। जुपिटर हाई इंटेग्रिटी, देखिए सूर्य से सेकंड में जुपिटर होगा तो कई बार आप देखेंगे वो लोग स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं थोड़ा, हाई इंटेग्रिटी। इसी तरीके से राहु केतु को एक्सक्लूड करना है, राहु केतु इस ग्रह में नहीं, इन वेसी वोसी योग में नहीं आते, इवन चंद्र नहीं आते, तो पांच जो ग्रह हैं हमारे पंच तत्व के, वो सूर्य से, जैसे सूर्य से सेकंड हाउस में मंगल है, प्रोटेक्शन, सोसाइटी में प्रोटेक्शन करना, मंगल का चीफ कारकत्व है प्रोटेक्शन करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, ये आपको देना है वरना झक मार के आपसे ले लिया जाए एक टाइम पे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो चीज आपसे जानबूझ करके ले ली। अब जैसे मैं एक एक उदाहरण दूं, जैसे शनि है तो लोगों के दुख को साझा करना, दुख बांटना, लोगों से दुख साझा करना, वो करना रोग ऋण के प्रति, रोग के प्रति लड़ाई करना, ये आपका कर्तव्य। अब एक एक हॉरोस्कोप अभी याद आ रहा है, उसमें शनि जो था चौथे और पांचवें भाव का स्वामी, ठीक है, तुला लग्न की कुंडली, ठीक। और सूरज से वो अस्त है, सूरज से वो अस्त है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, मैंने आज इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं अच्छे भाई, पिछले लाइफ टाइम में बहुत दुख दिए लोगों, तो इस लाइफ टाइम में दुख देखोगे, रोग देखोगे, वो अस्त था ग्रह, और शनि के दशा में, या रिकॉल करूं शनि शनि का पीरियड था, पहले मदर की डेथ होती है फिर बच्चों की भी डेथ होती है, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, शनि वहां का लॉर्ड तो था बैडली अस्त, इसके बाद इनका स्पिरिचुअल प्रोसेस चालू हुआ, ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बने, लेकिन देखिए उसके पहले कितना बड़ा दुख आया। अच्छा, तो सूर्य से सेकंड हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है। वो आपको लोगों को सोसाइटी को देना है,
वेसी योग कहते हैं उसे। वेसी जो उसका रूट शब्द है वो वैश्य शब्द से आता है, वैश्य बनिया, ट्रेडर्स। तो आप उस चीज को दे रहे हो, अगर आप जाने अनजाने नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं यू यू विल हैव टू सरेंडर दैट, आपसे ले लिया जाएगा। आप ये देखिए कि सूरत से सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये टेक्निक ऐसा भी पूर्व जी देखा जा सकता है कि सूर्य से 12वें में जो ग्रह बैठे हैं इस बर्थ में, वो करेक्ट, लोग, उन लोगों का कुछ कर्जा रहेगा, उनको देना रहेगा, मतलब पहले से आप लेके आए हैं तो कुछ ऐसा ऐसा आप, मैं आपको बताता हूं, वो लोग एग्जैक्टली लोग शब्द नहीं है। पहले सेकंड की टेक्निक को एक हॉरोस्कोप में बताता हूं। हाँ आप स्क्रीन शेयर करने की परमिशन जरा दीजिए मुझे, तो बिल्कुल, हम मैं एक आपको हॉरोस्कोप दिखाता हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा ये उदाहरण ज्यादा क्लियर हो। परमिशन गारंटेड, परमिशन गारंटेड। आपने स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दिया हमें। हाँ जी, देखिए आया, ये महात्मा गांधी का हॉरोस्कोप है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और सूर्य की चर्चा करते करते मेरे दिमाग में बहुत सारी टेक्निक सूर्य को लेके आती है। ये होता है ना कई बार, वो क्या होता है कि आपको यही पता नहीं था देना क्या है, मतलब कंटेंट क्या दिया जाए, वीडियो बिल्कुल किस पर बनाया जाए, दूसरे को देख बिल्कुल के याद है, अरे यार आई कैन स्पीक। तो मुझे वो तीन चार ऑन दिस टेक्निक का भी टॉपिक, याद आया है, वो मैं कभी और दूंगा। सूर्य के ऊपर बिल्कुल। मजेदार चीजें हैं, लेकिन ये जो सूर्य आप कुंड ये है, देखिए, ठीक है चलिए बताइए आप शुरुआत। इस कुंडली में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ठीक आप है। ये देखिए कि सूरज इनका 12वें भाव है। मैंने एक शब्द बोला, महर्षि पराशर लिख रहे हैं कि सूर्य सारे क्रिएशन का कारक है। ठीक, विदेशी धरती और विदेशी चीज महात्मा गांधी से बहुत तगड़े से जुड़े थे। विदेशियों को ही बाहर निकाला, सारा ट्रांसफॉर्मेशन विदेश से ही चालू हुआ था, ट्रेन से फेंक दिए गए थे। करेक्ट, वर्गो, विदेश, सन इज द कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन। ये देखिए कि इनका क्रिएशन किस लिए। सूर्य से सेकंड हाउस में मार्स, मरकरी और वीनस, तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य से सेकंड हाउस। अब देखिए कि सूर्य नेचुरल, वहां जाने के पहले हम देखते हैं कि सूर्य नेचुरल सिक्स साइन में है, रोग ऋण शत्रु। ब्रिटिशर्स शत्रु, एक तरीके के शत्रुता हटाना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने खाने के ऊपर भी किताब लिख रखी, फूड, ठीक है। वो रोगों से कैसे दूर रहो, निरोग होने के लिए भी वो किताबें लिख रखी। हिंसा से दूर रहो वर्गो। एक तो हिंसा, सबसे बड़ा मरकरी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अहिंसा। अब जरा सूरज से सेकंड हाउस में चलिए, मार्स मरकरी वीनस। वीनस को लेते हैं सबसे पहले, प्यार बहुत ज्यादा दिया वीनस से। प्यार सिंपल, प्यार ब्रह्मचारी लोगों में बांटा बांटा। मरकरी टीचिंग्स राइटिंग्स, गांधी जी की राइटिंग्स बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव थी, बहुत राइटिंग की है उन्होंने, बहुत प्रेयर्स करते थे, सभा बुला के प्रेयर्स करते थे। मरकरी राइटिंग्स बहुत रही, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इतनी बड़ी किताब है उनकी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लग्ना लॉर्ड विथ मरकरी, खुद की लिखी हुई है। मार्स अपने ऊपर, प्रोटेक्शन, अपने पूरे कंट्री को प्रोटेक्शन दी, अपने लैंड सिक्योर कराए, एक तरीके से बॉर्डर सिक्योर हुआ, लैंड से बाहर निकाला लोगों को और इंडिया को फ्री करा। सूरज से सेकंड हाउस कितना इंपॉर्टेंट है इनका चार्ट समझने। दूसरा चार्ट शेयर करता हूं, स्वामी विवेकानंद का। सूर्य लगन में बैठा हुआ है, नौवीं राशि में बैठा हुआ है, अध्यात्म और रिलीजन से जुड़ी हुई राशि है, ठीक है, करेक्ट। सूरज से जरा सेकंड हाउस में दो ग्रहों को देखिए, शुक्र और बुध। स्वामी विवेकानंद की स्पीच बुध,
ये कहते हैं कि मॉडर्न शंकराचार्य थे, और अगर हिंदुइज्म की करेक्ट डेफिनेशन समझनी हो, जैसे हर चीज की एक डेफिनेशन होती है, नाउन की डेफिनेशन, वर्ब की डेफिनेशन, इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म की डेफिनेशन समझनी है, तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जितने लेक्चर्स इन्होंने डिलीवर किए थे वो सुन लिया जाए, तो हिंदुइज्म पूरा हमें क्लियरली समझ में आ जाए। मरकरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड भक्ति, भक्ति योग, वीनस, क्रिएशन का कॉज। देखिए देखिए, राहु केतु और चंद्र को हम इस योग में शामिल नहीं करते हैं, तो क्रिएशन का देखिए कॉज कितना बड़ा, सूरज कितना बड़ा कॉज है क्रिएशन। अब राव साहब का हॉरोस्कोप लें, राव साहब को भी एक बार जरा चेक करें, ज्योतिष की बात हो रही है, राव साहब को भी हम चेक करते हैं। सन विथ मरकरी विथ केतु, अगर आप ये देखिए तो मरकरी, राव साहब का अगर कोई प्रोफेशन जानता हो, जो वो वाकई एक ऑडिटर, ठीक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट है, वर्गो, वर्गो साइन, करेक्ट, मरकरी। अब यहां पे मैं एक चीज कहता हूं कि जो ग्रह सूर्य के साथ बैठेगा, अगर वो डिग्निटी में काफी खराब है तो बहुत बुरा असर लेके आएगा, अगर डिग्निफाइड ग्रह है तो वही चीज पॉजिटिव भी रहेगी। आपने पिछले जन्म में लोगों के साथ या पॉजिटिव तो आप, अगर पॉजिटिव है तो मरकरी टीचिंग्स, एजुकेशन, आपने विद्या भवन का योगदान है राव साहब का, बड़ा क्लियर है टीचिंग के लिए, और के किस तरीके से बड़ा क्लियर है ये पिक्चर। और मार्स वीनस का भी बहुत बढ़िया जोश, पता हो तो बहुत बढ़िया ज्योतिषी बन, तो सूर्य को इग्नोर ना करें। शेयर करता हूं मैं इनके जैसी सिंह, कहीं नहीं, ही इज बिल्कुल वन ऑफ ज्योतिष वर्ल्ड है सिंह, फिफ्थ हाउस इज द हाउस सेकेंड फ्रॉम सन, डियो साइन भी, डियो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, पंडित जी की राइटिंग्स, करी राइटिंग भी इनके से। ये सूरज की अगर आप उसको इग्नोर करें तो कितना बड़ा चीज इग्नोर कर, बिल्कुल सही आपने कहा। आप जैसे आप शुक्र लीनियज का कारक कहा गया जी है ना, कर्म भाव में अगर शुक्र जाएगा तो देखिए वो भृगु, जो भृगु ज्योतिष बहुत बढ़िया जानते प्रैक्टिकल प्रेडिक्टिव हैं, भृगु नॉलेज बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्हाई यू आर बीइंग क्रिएटेड, आपका क्रिएशन क्यों। बिल्कुल। अगर किसी को दुख भी आ रहे हैं तो आप सोचिए, समझिए अपने सूर्य को, देखें कि ऐसे दुख क्यों आ रहे हैं आपको। क्यों आ रहे हैं, आपने क्या कर रखा है, उस कर्मों को रेक्टिफाई करिए। बिल्कुल। और क्रिएशन क्या होने वाला है इसके बाद, तो आपको सूर्य समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा है आदमी, दुख खा रहे हैं तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा वो आदमी। तो क्या इवॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए सूर्य देखेंगे। देखो इसीलिए मैंने ये पर्पसली ये टॉपिक चुना, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि इसके प्रति इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। सूर्य लग्न की बात तो कहीं कोई करता ही नहीं, टोटली इग्नोर्ड, जबकि आप देखिए महर्षि पाराशर ने जो सुदर्शन चक्र दिया हाँ वो लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न को दिया है, और बिल्कुल उससे वो पूरा पूरा
पूरा जिंदगी प्रिडिक्ट करते हैं। आपका मन, आत्मा और मस्तिष्क अगर दिशा सही है, उसकी एक दिशा में है, तो आप कुछ भी अचीव करते हो। अदरवाइज हमेशा समस्या बनी रहती। बिल्कुल, ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों को अभी समझना, क्योंकि उसमें कई बार इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ना कि सूर्य कुंडली कैसे देखेंगे, क्या मायने हैं, वेशी योग और वोशी योग जो लिखा हुआ है, अनफा सुनफा योग जो लिखा है, उसका क्या मायने है, उसका थोड़ा समझाने वाला अगर कोई हो ज्योतिष का, तो तब बिल्कुल ना सब चीज़ें समझेंगी, है ना, कि ज्योतिष ऐसा बिल्कुल, क्यों है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना कि आज लोगों को सूर्य लग्न के बारे में बताया जाए। क्योंकि मैं जब देखता हूं, मैं जब समझ रहा था अपने टाइम में ज्योतिष, तो सूर्य लग्न पे बड़ी समस्या होती थी और समझ में आता था कि सूर्य लग्न आखिर क्या है। किसी ने ये नहीं बताया कि बड़ा दुर्लभ तरीके से इसको अपने गुरुओं से सीखा समझा कि सूर्य लग्न वो चीज है कि जो आप लोगों के साथ किए हुए, अब वही चीज आपकी आत्मा को एक्सपीरियंस होने वाला। हाँ, कौन सा कर्म आपने किया है, उसके लिए हमें सूर्य कुंडली देखना पड़ेगा, आपकी गुरु आत्मा, कुंडली बिल्कुल आत्मा, और क्या आप इस बर्थ में लेके जाएंगे आगे, है ना, वो भी हम उसी सूर्य से देख लेते हैं, कि भाई ऐसा ना हो बिल्कुल कि आपका डेथ होने के बाद आपकी आत्मा क्या एक्सपीरियंसेस लेके जा रही है, उसके लिए भी आप सूर्य को देखेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आप क्या बिल्कुल। लेके जाएंगे, क्योंकि अनुभव साथ में एक जाता है। कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट और लोगों को बता दूं। सूरज के ऊपर ही, सूरज के दिग्बल पे फोकस करिए। दिग्बल। सूरज का दिग्बल दशम भाव में होता है। आत्मा यहाँ कर्म के लिए आई है, कर्मों को भोगने के लिए आई है, कर्म के लिए आई है। और सूरज का दिक् शून्य चतुर्थ भाव में होता है। वो यहाँ आराम तल भी करने नहीं आई, आराम नहीं, उसका कर्मों से सीधा रिलेशन। जिस तरीके के कर्म रहेंगे आत्मा उसको भोगेगी। तो सूरज का दिग्बल और दिक्शून्य समझना बहुत जरूरी। कर्म, सूरज का सिद्धांत कर्म। सूर्य का टेक्निक अगले वीडियो में मैं भी दूंगा, एक बहुत मजेदार बिल्कुल है, और भी दो चार चीजें हैं, लेकिन सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली से जो योग मजबूत हो जाते हैं, जैसे एक कुंडली मैं देख रहा था अभी ध्यान में आई, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तीनों से चतुर्थ और दशम का कंजंक्शन है, तीनों से। तो अब जब भी वो दशा आएगी, क्योंकि दोनों जो चतुर्थ और दशम के लॉर्ड होंगे वो कंजंक्ट होंगे हैं, और तो दो ही प्लैनेट है, तो उन दोनों में से जब भी किसी की दशा और महादशा आएगी ना, तो वो व्यक्ति को चतुर्थ भाव और दशा, यानी घर बैठ के कार्य और कंफर्ट और सुख में लेके जाए। बिल्कुल 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 वहां से हमें पता चलता है ना कि योग कितने स्ट्रांग हो गए, आत्मा क्या करेगी, आत्मा मन और लगन उसका जो चाहेगा वो करेगा उस पीरियड में वो, क्योंकि लगन, बिल्कुल, चंद्र लगन और सूर्य लगन दोनों से चतुर्थ और दशम का योग हो गया, वो हमेशा योग से हो गया। चाहता होगा कंफर्ट, तो घर बैठ के काम करेगा बस, अब जब भी दशा आएगी तो उस दशा का इंतजार करना पड़ता है, तो इस तरीके से योग देखे जाते हैं। ज्योतिष इज नॉट ये भाई बस हो गया और कुछ भी। नहीं, मैं सबसे बड़ा, मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन को पैरेलल इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल आप हर चीज जो आज के टाइम में, सब कुछ लगन से, सब हाँ, कुछ लगन से, सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं रहे। आप क्लियर किसी नहीं से हमको, उठा के पूछिए कि सूर्य शनि का योग खराब है, तो वो कभी ये वजह नहीं बता पाता कि योग क्यों खराब है। सिर्फ पिता पुत्र थे, आपस में नहीं जमती थी जो हमारी सूरज की या शनि की जो हमारी कथाएं स्टोरी। हैं, उसमें ये चीज है कि उन आपस में नहीं। लेकिन अब आप समझ रहे हैं ना, शनि दुख का कारक है, आपने लोगों को दिया बहुत ज्यादा। अब आप इस बार रोग से और दुखों से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो और भी चर्चा हो सकती है सूर्य से द्वितीय भाव के ऊपर, हर एक प्लेनेट, हर एक भाव लॉर्ड की, लेकिन उतना थोड़ा सा अभी समय का वो नहीं है, नहीं, लेकिन इसको ठीक रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आज एक बेस बनाने के लिए मैंने ये जानकारी दी कि लोगों में एक एक सूर्य कुंडली की समझ तो आए। और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप देखिए, जहां सूर्य बैठा है, जिन योगों में बैठा है, उसी भाव से रिलेटेड एक बार काम करके देखिए, चीजें करके देखिए, आत्मा लेवल में बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसका मतलब सूर्य से दशम भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। है।
अभी तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स को नवांश पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने ये सारी चीजें भी नहीं पढ़ाई हैं, कि जो अभी मैंने बात करी सूरज से, नवांश धर्म का भाव है, धर्म का वर्ग है। और अगर सूरज नवम भाव का एक कारक है, आपको ये पता होगा, धर्म का कारक है, तो नवांश में सूरज की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इस टेक्निक को, जो मैंने सूरज की टेक्निक दी है, इन टेक्निक्स को आप दशांश में भी लगा के देखें, नवांश में भी लगा के देखें, और लगन चार्ट पे भी लगाएं और देखें किस तरीके से काम, बिल्कुल और अपने बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ, बिल्कुल कमेंट्स में साझा करें। शांति से सुने कि क्या कहा जा रहा है, क्या चीजें कही गई सूर्य के बारे में समझ में आएगा। बिल्कुल बहुत कुछ है बोलने और कहने को। इस जस्ट अब टिप ऑफ आइसबर्ग जिसको हम कहते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए, टू बी कंटिन्यूड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लेते हैं अलविदा, प्रणाम। नमस्ते।